क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन आपका अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था? 250 में, कहीं कहीं पे 250 मिलता है, कहीं कहीं पे 247 देखने को मिलता है। मिशन में 250 दिया गया है, नेट पे कहीं कहीं आपको 247 देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके विषय में देख लीजिए, प्रथम बौद्ध संगति आपका 483 ईस्वी में हुआ था। स्थान कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, है ना। और शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति आपका हुआ था 383 ईसापूर्व में वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? सवाकामी। और इसका शासनकाल किसका था? कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 250 में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगलिपुत्र इसका अध्यक्ष था। और शासनकाल अशोक का था, जो अभी क्वेश्चन पूछा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था, वसुमित्र कनिष्क। इसको हम लोग आप शॉर्टकट में इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, है ना, अका अक अका अक, समझे। इस तरह से ओ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, ओ से अशोक, है ना, उसके बाद कनिष्क। गौतम बुद्ध का जो आपका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म 583 ईसापूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म आपका कब हुआ था? 583 ईसापूर्व में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। कपिल वस्तु क्या लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था आपका। गौतम बुद्ध का जन्म आपका 563 ईसापूर्व में हुआ था और 483 ईसापूर्व में हुआ, मर गए थे 563 में इनका जन्म हुआ था। जन्म का समय आपका 563 और 483 ईसापूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, 483 में, मतलब ये 80 साल जिए थे। चूंद द्वारा भोजन जो किए थे ना, उसी कारण इसका मृत्यु हो गए थे,